तीन खेती कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर अज दिल्ली के प्रदर्शन किया जाना पार्लीमेंट के वल मार्च कढ़िया जाना। साडे नाल गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना मौजूद ने, यह भी इत्थे वड्डी गिणती दे विच अपने समर्थकों के नाल पहुंचे ने ते अमलोह तो इन्हां नूं टिकट भी मिल चुकी है। इन्हां नाल गलबात करदे आं, गुरप्रीत जी की कहना चाहोगे अज दा जिहड़ा प्रदर्शन है केंद्र सरकार ते दबाव पाउण दे विच कामयाब होए पाए? देखो जिहड़ा अज दा प्रदर्शन दा मेन मकसद है कि जो तीन काले कानून मोदी सरकार ने पास किए ने उन्हों रद्द कराने वास्ते किसानी संघर्ष जो पूरा डट के पहरा दे रहे हैं, समुचा श्रोमणी अकाली दल किसान वक् वक् जथेबंदियां आगू साहिबान सारे किसान मजदूर चल रहे हैं। तो अज केंद्र सरकार से प्रैशर पाने वास्ते अज सतारा अज सवेरे साहब सुखबीर सिंह बाल जी वालों गुरुद्वारा काबगंज तो लैके संसद भवन तक मार्च करना जो प्रोग्राम बनाया, ये किसान वक् वक् खेत मजदूर व्यापारी सारे इकट्ठे हो गए अज इस रोस मार्च कर रहे हैं। तो मैं समझता कि ये रोस मार्च नाल केंद्र सरकार के उपर बहुत बड़ा प्रैशर पैना तो जिहड़े तीन काले कानून ने उन्हों रद्द कराने बहुत सहाई हो गए। इतनी बाहर निकलते सारी पुलिस के वालों बैरीकेडिंग की हुई है रोकने के लिए, कि लगता है कि अगे तक जा पाओगे उत तक पहुँच पाओ? देखो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार ने सारा दिल्ली के बॉर्डर घेर रखे गड्डिया राही बसा राही जितों संगत आ रही है रोकया होया, ये जिनी संगत उ तो कई गुणा संगत बाहर बार्डर तो उपर रुकी हुई है, धरने बाजारे चल रहे हैं जिते गड्डी रुकती है उत्थे बैठ के धरना शुरू कर देंगे ने। सो संगत का बहुत बड़ा उत्साह, मैं समझता कि यह बैरीकेड सरकार की डर की निशानी आ, यह बैरीकेड सरकार की बखलाड़ की निशानी आ, यह बैरीकेड तोड़ के संसद वल जावांगे तो सरकार से दबाव बनावांगे तो दिखावांगे कि सारा पंजाब सारे किसान एकजुट ने ते काले कानून रद्द करने वास्ते हर एक जगह पर भी जा सकते हैं। इंद्रजीत सिंह खटड़ा भी ने, यह भी यूथ के लीडर ने भी गलबात करते हैं। इंद्रजीत जी रोकने की कोशिश की गई, रात भी जो वर्कर से वड्डी गिणती दे विच फसे रहे, की लगता है कि केंद्र सरकार क्यों अजिही मंशा अपना रही है दिल्ली पुलिस के राही उन्हें रोकया जा रहा है? देखो जो ये अज काले कानून एक साल हो चुके श्रोमणी अकाली दल अज गुरद्वारा रकाबगंज साहब तो पार्लीमेंट तक मार्च कर रहा, पर इस मोदी सरकार ने नीचता की हद दिखाती, कला रोकया ही नहीं गया, हुण साडे पिछे भी गड्डिया से उत्थे डंडे मारे गए ने गड्डिया ते। सो मैनू ये लगता भी बुखलाहट दे विच है साडे जिहड़ा मोदी सरकार है पूरी अपनी बुखलाहट नूं सामने जा रही। बिल्कुल इत्थे जिहड़े अकाली वर्कर ने इत्थे पहुंचे ने ते नाल ही सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान, की लगता कि एक साल हो चुकिया इन्हां नूं पास कित्या नूं केंद्र सरकार की लगता कि मंशा की है, सोचदे हो तुसीं वी क्यों नहीं रद्द कीते जा सकदे? देखो ये जिहड़ी सरकार की नींह कारपोरेट्स ने रखी आ वो कारपोरेट घराणियां दे कोल बिक चुकी आ, सरकार कोई मोदी नहीं चला रहा, अंबानी अडानी सरकार चला रहे ने। सो तुसीं इन्हां तों मैनूं नहीं लगता इन्हां तों आपां न्याय आपां नूं मिलेगा, पर बहुत खुशी की गल आ पूरे भारत का जिहड़ा किसान आ कल्ला किसान ही नहीं मजदूर हो गए हर वर्ग इकट्ठा हो चुके आ, सो इन्हां दीआं जड़ां हिल चुकियां ने ते समें दी उड़ीक आ, से जदों समां आ गया इन्हां दीआं जड़ां पट के लोकां ने सिड़ देणियां ने। तुसीं की कहना चाहोगे कि लगता है कि अज्ज दा जिहड़ा प्रदर्शन है यह सफल हो पाएगा तो दबाव बन पाए? बिल्कुल बई जी, जिन्ना यूथ अकाली दल दे या अकाली दल दे जोधियां च जिन्ना जोश है तो मैनू लगता भी ये 100% इस चीज़ का प्रैशर तो जरूर पएगा, बाकी जिन्ना मोदी अड़ब है उन्ने ही यूथ अकाली दल दे योधे अड़ब ने, जो अपने आप नूं ये समझदा कि मेरे वर्गा कोई फन्ने खाणी तो उन्होंने ये भी समझना चाहिए कि यू जी अकाली दल जथेबंदी है इस संघर्षा चो निकली हुई जथेबंदी है, असी एमरजेंसी वेले इंदिरा गांधी की बख्शी मोदी तक किस चीज़ की मूली है। पर किसान यही कह रहे हैं कि सियासत अकाली दल के वालों की जा रही है लगातार ये गल्लां कही जा भाई जी, सियासत ये की है जिन्हें आप आए तुम मैं जिन्हें होर सारे ये सारे किसान किसान परिवारों के बच्चों हाँ, तो साडा कोई ना कोई हरेक बंदा किसी ना किसी पोलीटिकल पार्टी ने जुड़िया होया, ये आप किसानों के विरोध तो कुछ नहीं कर रहे, मोदी सरकार के विरोध आप जे प्रोटेस्ट करते मैं नहीं समझता भी ये किसानों के विरोध है, हो सकता किसी का कोई इंडिविजुअल थिंकिंग हो सकती है कि किसानों के विरोध है, पर मैनू ये लगता भी ये पॉलिटिक्स नहीं है, असी सारे किसानों के पुत्र किसानों के परिवारों चो ये कोई असी पॉलिटिक्स करनी आए, असी मोदी को जिहड़ी असली जगह असी दिखाउण आए हैं। जो यूथ के वर्कर ने यूथ अकाली दल के यूथ वर्कर है वह भी यही कह रहे हैं कि अकाली दल के जो बीजेपी है वो किसानों के नाल धक्केशाही कर रही है तो उन्होंने जोड़े तीन खेती कानून ने वो रद्द करने चाहिए ने। कैमरामैन संदीप के नाल हरपिंदर सिंह, एबीपी सांझा दिल्ली। एबीपी सांझा, जोश जज्बा जुनून।